और हमारा फोकस सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर तक सीमित नहीं है। आज ही यहां नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का काम शुरू हुआ है। भारत सरकार भी नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर दे रही है। हाल में ही सरकार ने देश में 150 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज को स्वीकृति दी है। इस अभियान के तहत यहां राजस्थान में भी 20 से ज्यादा नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। इसका लाभ निश्चित तौर पर आपके सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल को भी होने वाला है। साथियों, भारत में हजारों वर्षों से समाज में शिक्षा से लेकर गरीब और असहायों की सेवा तक की जिम्मेदारी हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं ने संभाली है। मैं तो गुजरात भूकंप के समय से और उसके भी पहले से आपकी निष्ठा और हमारी बहनों की मेहनत का कार्य स्वयं साक्षी रहा हूं। आप लोग जिस प्रकार से काम करते हैं उसे बहुत निकट से देखा है। मुझे याद है कच्छ के भूकंप की उस संकट की उस घड़ी में आपने जिस सेवा भाव से काम किया वो आज भी प्रेरणा देने वाला है। ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए आपके अभियान हो, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी के प्रयास हो, जल जन अभियान जैसे मिशन हो, एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तैयार कर सकती है, ब्रह्मा कुमारी ने ये करके दिखाया है। विशेष रूप से मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने देश के लिए आपसे जो अपेक्षाएं की हैं उन्हें पूरा करने में आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जब आपने पूरी दुनिया में योग शिविरों का आयोजन किया, जब दीदी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी, जब सभी बहनों ने स्वच्छ भारत की कमाल संभाल ली, तो इसे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है। आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारीज में मेरे विश्वास को और भी कई गुना कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब विश्वास बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, और इसलिए स्वाभाविक है कि आपके प्रति मेरी भी अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ गई हैं। आज भारत श्री अन्न यानी मिलेट्स को लेकर एक वैश्विक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आज देश में हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हमारी नदियों को स्वच्छ बनाना है, हमें भूजल का संरक्षण करना है। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं। इसलिए इन प्रयासों में आपका जितना ज्यादा सहयोग मिलेगा उतनी ही देश की सेवा और अधिक व्यापक होगी। मुझे आशा है राष्ट्र निर्माण से जुड़े नए विषयों को
ब्रह्मा कुमारीज इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाएगी, एक विकसित भारत के निर्माण के जरिए हम विश्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को साक्षात करेंगे। और आप जानते हैं, अभी यहां G20 समिट की बात हुई, हम G20 समिट में भी दुनिया के सामने, दुनिया जब विमेन डेवलपमेंट की बात करती है, हम G20 में दुनिया के सामने विमेन लीड डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, महिलाओं की अगुवाई में विकास, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके एक बहुत ही उम्दा संगठन, व्यापक रूप से फैला हुआ संगठन, देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे आपने यहां बुलाया, निमंत्रण दिया, मैं हमेशा कोशिश करता हूं जितना समय निकाल सकूं आपके बीच आऊं, क्योंकि यहां मैं आता हूं तो कुछ लेकर के जाता हूं। चाहे वो आशीर्वाद हो, प्रेरणा हो, ऊर्जा हो, जो मुझे देश के लिए काम करने के लिए दौड़ाती है, नई शक्ति देती है, तो मुझे यहां आने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। आपके शब्दों ने, आपके वचनों ने हम सभी के अंदर एक अलौकिक शक्ति और ऊर्जा भर दी है। आपकी सकारात्मक सोच, मधुर वाणी और प्रेरणादायक शब्द सुनकर हम सभी कृतज्ञ हुए। आज ये एक इस कार्यक्रम का समापन नहीं, एक शुरुआत है एक दिव्य संबंध का, जो सदा हमें आपके साथ मिलकर कार्य करने के